हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप, पहले हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटर को अगर हम कोलैबोरेट करें तो वो सिंगल पर्सन जो बिजनेस को रन करे, उसको कंट्रोल करे, तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सो प्रोप्राइटरशिप इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। कहते जो हमारा सोल प्रोप्राइटर है वो बिजनेस, हमारा इंडिया का सबसे पुराना बिजनेस ऑनरशिप है। इन ए प्रोप्राइटरशिप द एंटरप्राइज इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। तो कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटर में सिंगल पर्सन ही है जो उसको ओन्ड, उसका मालिक होता है और उसको ही कंट्रोल करता है। ही मैनेज द बिजनेस ऑन हिज ओन, वो खुद ही उस बिजनेस को सारा मैनेज करता है। इफ़ नेसेसरी ही मे टेक द हेल्प ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड एम्प्लॉय सम एम्प्लॉयज़। तो कहता है अगर उसको कभी ज़रूरत पड़े तो अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद भी ले सकता है, अपने रिलेटिव्स की मदद भी ले सकता है, अगर वो चाहे तो कोई एम्प्लॉयज़ अपने अंडर हायर भी कर सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट टू फॉर्म। कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा एक ऐसा बिजनेस ऑनरशिप है जो बहुत ही सिंपल और ईजी वे से क्रिएट किया जाता है। इट डजेंट रिक्वायर एनी लीगल रिकग्निशन एंड अटेंडेंट फॉर्मेलिटीज़। इसको क्रिएट करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें नहीं चाहिए होती। और दिस फॉर्म इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म इन इंडिया, और ये हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब हम बात करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या। तो फर्स्ट फीचर हमारा क्या होगा, वन मैन ऑनरशिप। वन मैन ऑनरशिप क्या कहता है, इन प्रोप्राइटरशिप ओनली वन मैन इज़ द ओनर ऑफ द एंटरप्राइज। कहते हैं सोल प्रोप्राइटर में सिंगल पर्सन ही होता है जो एंटरप्राइज का ओनर होता है। सारी कंट्रोल, सारी पार्ट सभी उसके हाथ में होती है। सेकंड क्या कह रहा है, नो सेपरेट बिजनेस एंटिटी, नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द बिजनेस कंसर्न एंड द प्रोप्राइटर। बिजनेस कंसर्न मतलब बिजनेस और उसके ऑनर में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, बोथ आर वन, दोनों सेम है और एक ही है। नो सेपरेशन बिटवीन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, इन अ प्रोप्राइटरशिप मैनेजमेंट रेस्ट विद द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, द प्रोप्राइटर इज अ मैनेजर ऑल्सो। कहते इसी सोल प्रोप्राइटर में कोई भी ऑनरशिप और मैनेजमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, ऑनरशिप और मैनेजमेंट सभी एक ही है और प्रोप्राइटर ही उसी ऑनर का मैनेजर है। अब फोर्थ है हमारे पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब पहले हम जानते हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती क्या है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स दैट इन केस द एंटरप्राइज इनकर लॉसेस, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोप्राइटर कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग द बिजनेस ऑब्लिगेशंस टू आउटसाइड पार्टीज। कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर सोल प्रोप्राइटर को कोई लॉस होता है और उसके पर्सनल एसेट्स इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो उसकी लाइबिलिटीज़ को पे आउट कर सके, तो उसके पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ करके, उसको बेच के उन सारी लाइबिलिटीज़ को पे आउट करना पड़ेगा। तो इसी केस में हमारी जो लाइबिलिटी है सोल प्रोप्राइटर की, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ऑल प्रॉफिट्स और लॉसेज टू द प्रोप्राइटर, बींग द सोल ऑनर ऑफ द एंटरप्राइज द प्रोप्राइटर इंजॉय ऑल द प्रॉफिट्स अर्नड एंड बियर द फुल ब्रंट ऑफ ऑल द लॉसेज इंकर्ड बाय द एंटरप्राइज। कहते सिंगल ऑनर होने के लिए और सिंगल ओनर होने के कारण जो प्रोप्राइटर है वही सारे प्रॉफिट जो अर्न करेगा उसको एंजॉय करेगा और वही रिस्पॉन्सिबल होगा और उसको ही सारे लॉसेस को बियर करना पड़ेगा जो भी उसको एंटरप्राइजेस में होंगे। अब लास्ट हमारा लेस फॉर्मेलिटीज़, अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विदाउट
कंप्लीटिंग मच लीगल फॉर्मेलिटीज़। कहते हैं सोल प्रोप्राइटर को क्रिएट करने के लिए इतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें कंप्लीट नहीं करनी पड़ती। देर आर सम बिजनेस दैट टू कैन बी स्टार्टेड सिंपली आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एंड परमिट्स। कहते कई हमारे ऐसे बिजनेस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेकर और परमिट्स लेकर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने जाने कि सोल प्रोप्राइटर के फीचर्स क्या होते हैं, अब बारी आती है इसके डिसएडवांटेजेस की। तो पहला डिसएडवांटेज है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। अ प्रोप्राइटर हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एट हिज कमांड। कहते हैं जो सिंगल ऑनर होगा उसके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड होंगे, क्योंकि उसके पास अगर कैपिटल लिमिटेड है तो ऑब्वियसली उसके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड होंगे। द प्रोप्राइटर मेनली रिलाइज ऑन हीज और हर फंड्स एंड सेविंग्स एंड टू लिमिट एक्सटेंड, क्योंकि वो उसके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम तो होगी नहीं, एक्स्ट्रा सेविंग्स नहीं होगी। जितनी उसके पास सेविंग्स होगी उसको अपने रिसोर्सेज को भी उसी सेविंग्स के ऊपर ही डिपेंड रखना पड़ेगा। तो हमारा ये फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गया। अब सेकंड है लिमिटेड एबिलिटी। प्रोप्राइटर इज करैक्टराइज्ड एज वन मैन शो। कहते हैं हम प्रोप्राइटर को क्या देखते हैं, सिंगल पर्सन देखते हैं। वन पर्सन कैन बी मे बी एक्सपर्ट इन वन और टू एरियाज बट नॉट इन ऑल एरियाज। कहते हैं एक इंसान एक फील्ड में तो एक्सपर्ट हो सकता है और वो इंसान सारी फील्ड्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल एट्सेट्रा। कितने हर एक पर्सन जो है एक ही डिपार्टमेंट में या एक ही फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, सारे डिपार्टमेंट सारे फील्ड्स में वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अब थर्ड हमारे पास आती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। प्रोप्राइटरशिप इज़ करैक्टराइज्ड बाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑल्सो। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ लॉस द प्रोप्राइटर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोप्राइटर विल ऑल्सो बी यूज टू क्लियर द बिजनेस ऑब्लिगेशन, हैंस द प्रोप्राइटर अवॉइड टेकिंग रिस्क। कई हमारे ऐसे सोल प्रोप्राइटर होते हैं जो रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं होते, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये पर्सनल एसेट्स का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। उसको ये चीज़ की हमेशा चिंता रहती है अगर उसने लाइबिलिटीज़ पे आउट नहीं किया तो उसके पर्सनल एसेट्स को बेच के सारी लाइबिलिटीज़ को पे आउट किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। एंड द लास्ट इज लिमिटेड लाइफ ऑफ एंटरप्राइज फॉर्म। द लाइफ ऑफ ए प्रोप्राइटर एंटरप्राइज डिपेंड सोलली अपॉन द लाइफ ऑफ द प्रोप्राइटर। कहते हैं अब जो प्रोप्राइटर और बिजनेस की जो लाइफ है वो टोटली डिपेंड करती है उसके ऑनर की। अगर तो उसका ऑनर लाइफ उसकी ऑनर की लाइफ अगर ज़्यादा है तो उसके बिजनेस की भी लाइफ है, क्योंकि अगर बाय चांस उसके ऑनर को कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, क्या उसको कोई डेथ हो जाती है, तो उसका जो बिजनेस है वो बंद होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वही उसका ऑनर होता है, उसने ही क्रिएट किया होता है। अगर वो ऑनर ही नहीं रहेगा तो वो उस बिजनेस को कैसे रन, कैसे उसको यूज़ कर सकेगा। तो कहते हैं कि जो एंटरप्राइज की जो लाइफ होती है वो एक लिमिटेड होती है,